आज आपको हम घर में बनाना सिखाएंगे कि आप ब्रेड के लड्डू या ब्रेड की बर्फी कैसे बनाते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप देखें कैसे बनानी है। यहाँ पे हमने ब्रेड के जो हैं 8-9 स्लाइस को ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने चीनी को ग्राइंड कर लिया है, नारियल की गिरी को हमने ग्राइंड कर लिया है, बादाम लिए हैं हमने बीच में डालने के लिए, ये हमने छोटी इलायची ली है थोड़ी सी। अब देखें कैसे बनाना है। हमने दूध भी लिया है, अब हम इसमें कढ़ाई में 2 चम्मच घी के डालेंगे, देसी घी हमने डाल लिया है 2 चम्मच। घी गर्म होने पे हम इसमें जो ब्रेड लिए थे ग्राइंड किए वो डालेंगे। हल्का सा ब्राउन होने पे इसमें हम चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से हम चीनी को मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पे हमने पकाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, तभी हमारे जो लड्डू हैं जो सही तरह से बनेंगे। आप इसे हिलाते रहेंगे, वैसे हम छोटी इलायची डाल देंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, वैसे हम दूध डाल देंगे। लड्डू बनाने का सामान वो बन के तैयार है। हम इसके लड्डू बनाएंगे, पर इसका थोड़ा ठंडा बनाएंगे 2 मिनट तक, क्योंकि जो लड्डू छेती नहीं बना पाएंगे ना, गर्म होता है वो ज़्यादा, ना ही तो ज़्यादा ठंडा होने पे बनाएंगे ना ही ज़्यादा ज़्यादा गर्म पे, हम थोड़ा सा जैसे ठंडा हो जाए तब बनाएंगे। ऐसे हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे गोल गोल, इसे आप कोई भी शेप देख सकते हैं। नारियल का बोरा था, हम उसमें इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे ऐसे। ये हमारे जो लड्डू है बन के तैयार होंगे। इस पे हम कोई भी ड्राई फ्रूट की गिरी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे बादाम की गिरी लगाई है।
ये हमारे जो ब्रेड के लड्डू हैं जो बन के तैयार हो गए हैं। आप भी घर में बनाएं ब्रेड के लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, और अच्छी लगे अगर शेयर करें, फॉलो करें।